नमस्कार, मैं हूं साहब अली और आप देख रहे हैं लाइव सिटी डॉट इन। एनडीए में सीट बंटवारों को लेकर के कुछ क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी के आलाकमान से, जो हाई कमीशन, उनसे बातचीत करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जब नीतीश कुमार वहां से लौटेंगे तो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आपको बता दें कि कल जदयू की कार्य समिति की बैठक पटना में हुई है, एक अड़े मार्ग पटना के सीएम आवास पर यह बैठक हुई। इसमें कई चीजें बदलती दिखाई दी। बिहार की सियासत में जदयू के जनाधार को लेकर के कुछ बड़े बदलाव होने के संभावनाएं भी नजर आई इस बैठक में। संभावनाएं इसलिए भी क्योंकि प्रशांत किशोर अब जदयू के साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार के खेमे में अब प्रशांत किशोर दिखाई देंगे। कल जब जदयू कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उस दौरान नीतीश कुमार के ठीक बगल में प्रशांत किशोर बैठे हुए थे। जदयू के वो तीर वाला हरा कपड़ा भी उनके गले में था। वो कन्फर्म कर रहा था कि अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ ही हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के शाम में जो नीतीश कुमार का बयान आया, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर के संतोषजनक बातचीत हुई है, जल्द ही फैसला आप लोग के सामने आएगा। अब इस मामले में क्या कुछ आएगा, क्या अपडेट्स आएंगे, ये तो नीतीश कुमार के दिल्ली से आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आज वो दिल्ली पहुंच करके वहां पर बीजेपी के और एनडीए के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी ये सब कयास ही है। नीतीश कुमार के दिल्ली में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, इस बारे में मीडिया में कोई जानकारी औपचारिक रूप से नहीं आई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कल कार्य समिति की बैठक और आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है। नीतीश कुमार के दिल्ली में क्या कुछ चलता है, क्या उनकी बैठकें होती हैं, क्या सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ बातचीत आगे बढ़ती है, या फिर ऐलान कब तक होता है, ये सब कुछ नीतीश कुमार के लौटने के बाद ही क्लियर हो सकेगा। फिलहाल जदयू और एनडीए नेताओं की अलग अलग बयानबाजियां मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। किसी का दुख तो किसी की खुशी साफ नजर आती है। अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है जिसको मीडिया के सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहा है एनडीए। अमित शाह जब पटना आए थे, उस दौरान भी नीतीश कुमार से जब नाश्ते में मुलाकात हुई उनकी, उसके बाद फिर डिनर पे ही मुलाकात हुई थी, तो कहा गया था कि बातचीत करके इस मामले को सुलटा लिया जाएगा और सीट शेयरिंग पर संतोषजनक बातचीत ही होगी। फिर बीच में बीजेपी का वो 2020 का फॉर्मूला सामने आया, जिसके बाद से जदयू नेताओं में खलबली मच गई। जदयू नेताओं के अलग अलग बयान जो है वो मीडिया में आने लगे थे। अब एक बार फिर से संतोषजनक बातचीत की बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, क्या कुछ होता है वहाँ पर, मुलाकात करते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, क्या सीट शेयरिंग पर बात होती है, इन सब चीज़ों पे हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली निकल चुके हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ही नहीं करना है, उसको लोगों तक पहुँचाना भी, इसलिए उसको शेयर भी खूब करिए और हर एक पोस्ट को लाइक करिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, ताकि आप खबरों की दुनिया में अपडेट रह सकें।